हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ कल्याणी, जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो कल्याणी एक बहुत अच्छा शहर है, जो वेल डेवलप है, बहुत अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और मैं उधर जा रहा हूँ आज। चलो देखते हैं। और एक बात, मैं बाय रोड जा रहा हूँ, तो बाई रोड कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है डानकुनी वाला रूट। तो इस रूट से, मतलब अभी जो डानकुनी है ना, उस साइड से दिल्ली रोड पकड़ना है। मतलब इधर पे दो रोड है, तो मुझे राइट लेना है, वो दिल्ली रोड कहा जाता है, ओल्ड दिल्ली रोड भी कहा जाता है। तो मैं उसी रोड से जाऊँगा और आगे मैं बताते जाऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। चलो देखते हैं, आगे एक दो प्रोग्राम और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बात, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये है फेसबुक लिंक। तो आप मुझे दोनों जगह फॉलो करो, मैं उधर एक्टिव रहता हूँ। ये एक्चुअली छोटा सा डिवाइड है इधर से, तो हमको इधर से राइट लेना है, जो ओल्ड दिल्ली रोड कहा जाता है ना, वो इधर से डिवाइड होता है। ओल्ड दिल्ली रोड में ना अभी काम चल रहा है, जो काम है ये सिंगल वे रोड है, तो उसे डबल लेन किया जा रहा है। बहुत दिन से काम चालू है, अभी भी चल ही रहा है। और ये देखो, ये डानकुनी जो मोड़ है ना, वो सबसे पहले आ गया। इधर पे अभी तक काम चालू है, आगे भी देखेंगे, बहुत सारा जगह ऐसा है अभी तक काम चालू है। आप लोग अगर कोलकाता से हो, जो कोलकाता का जो शॉर्ट लेक है, जो वेल प्लान्ड है, उसी तरीके का प्लान कल्याणी पे भी है। आप अगर गूगल मैप देखोगे तो एकदम साफ दिखाई देगा, जगह बहुत अच्छा है। और इधर जाने के लिए बहुत रूट भी है, और ये मैं रूट जा रहा हूँ दिल्ली रोड होके। बहुत सारा रूट होता है, आप जीटी रोड से जा सकते हो, बहुत मतलब कोलकाता से खोरदा नोईहाटी वो साइड से जा सकते हो। तो ये जो रोड है ना, ये राइट साइड पे श्रीरामपुर जाने वाला ये रोड, ये देख लो। अगर आप बिल्कुल सीधे जाओगे तो फिर सीधा है बर्धमान। उससे पहले ये रोड शक्तिगढ़ में जाके जॉइंट होता है, वो जो टोल वाला रोड है ना, वो। और ये रोड, ये अभी तक बिना टोल वाला है, तो अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो। अभी देखो टू रोड हो गया है, अभी ये रोड में चलाने का मज़ा तो है ही। सिंगल रोड में दूसरे साइड पे बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी आ जाता है, ये देखो। तो कल्याणी है इधर से 22 किलोमीटर, बर्धमान है 80 किलोमीटर, और मोगरा है 15 किलोमीटर। तो अभी इधर से 22 किलोमीटर और जाना है, तो हम लोग अभी आ चुके हैं 26.6 किलोमीटर। तो उससे पहले एक सुआ खाल बोल के एक जगह है, आप चाहो तो इधर पिकनिक कर सकते हो, बहुत अच्छा जगह है। और इधर ये साइड में ना बहुत सारा पिकनिक का ऐसा छोटा छोटा स्पॉट है, आप लोग कोलकाता से हो तो इधर पिकनिक बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, अगर इधर आप आए पिकनिक किए, बहुत मज़ा आएगा। रोड्स यहाँ पे काफ़ी काफ़ी खूबसूरत कर दिया गया है, और अभी भी कुछ बेवकूफ लोग है इनके जैसा, जो रॉन्ग साइड से भी आता है। ये मोड़ से अगर आप लोग राइट ले लेंगे तो सीधा चूचूरा पहुंच जाएंगे,
तो और लेफ्ट लेंगे तो आप लोग धोने खाली जो जगह है ना उस साइड में पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है ट्रकों का कुछ नो एंट्री है तो इसीलिए उन लोग को यहीं पे बैरिकेड करके रुक जाना होगा, तो इसीलिए लंबा लाइन है। तो कोई नहीं, तो हम लोग का तो कोई नो एंट्री नहीं है। तो अभी तक हम लोग 32 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी और हमको जाना है 15 से 20 किलोमीटर के अंदर। ये जो रोड आप देख रहे हो राइट साइड पे, अगर आप लोग को बैंडेल जाना है जो बहुत अच्छा जगह है, मैं कोशिश करूँगा एक दिन आप लोग को दिखाने का। बैंडेल में है बैंडेल चार्च, बैंडेल चार्च तो सबसे मेन पॉइंट है बैंडेल का। आप अगर कभी बैंडेल में आते हो तो बैंडेल चार्च ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा चार्च है वो, मतलब इधर का। मैं बहुत बार आ चुका हूँ इससे पहले, और इस साइड में घूमने के लिए दो तीन अच्छा अच्छा स्पॉट है। अब अगर बैंडेल साइड जाते हो तो बैंडेल चार्च जाओ, उधर पे बहुत सारा पॉइंट है घूमो। और इस साइड में एक पॉइंट है, आपको मैं उधर जाने के बाद ही बताऊंगा। तो जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये है वो पिकनिक स्पॉट जो है सोवा खाल। अब इधर 15 प्रोबेस मुतलो, मतलब एंट्री पास है 15 रुपये। इसके अंदर बहुत सारा गार्डन है, बहुत सारा जगह है, बोटिंग है, बच्चों के लिए खेलने का बहुत सारा जगह है, और बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। आप कोलकाता से कोलाघाट जितना दूरी है, अभी देखो 38 किलोमीटर हो चुका है मेरे गाड़ी का, तो तकरीबन कोलकाता से 50 किलोमीटर के अंदर ये भी एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा है। कल्याणी जाने के लिए तो हम लोग को इधर से राइट लेना पड़ेगा, तो हम लोग इधर से अभी राइट लेने वाले हैं। बहुत दिन पहले आया था तो कुछ ठीक से रोड इतना अच्छा हो गया ना तो पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। पहले ये देखो ये रोड जैसा था ना, दो साइड में अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा पेड़ था, तो वो रोड पे भी ऐसा ही कुछ था। तो अभी उधर पे रोड बड़ा हो चुका है तो इसीलिए सब पेड़ काटना पड़ा, तो इसीलिए कुछ दिक्कतें आता है, मतलब इधर से पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये रोड से भी बैंडेल चार्च जा सकते हो। तो अगर मान लो ये सोवाखाल जो पिकनिक स्पॉट है इधर आते हो तो आप इधर से एक ही दिन में बैंडेल में जो जो पॉइंट है आप लोग अच्छे से घूम सकते हो। इधर से 6 किलोमीटर है बैंडेल चार्च, एक सामने शायद पावर ग्रिड आएगा, तो उधर से हम लोग को लेफ्ट लेना है। तो बहुत दिन पहले आए थे, कुछ याद नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सोच लिए। ये है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये रहा उसका मेन गेट। काफ़ी खूबसूरत है कॉलेज, वो हम लोग का भी फर्स्ट रेल गेट बोल सकते हो। ये एक रेल गेट है, तो एक तो प्रॉब्लम हो गया है शायद इस गाड़ी के अंदर जो एकदम बीच में खड़ा है, अभी ठीक हो गया शायद, चलो अच्छा है। ऐसे रेल गेट के बीच में खराब होना बहुत परेशानी होता है। तो ये रोड से मुझे लेफ्ट लेना है, तो ये देखो अगर सीधे जाते हो तो काटोआ, मुझे कल्याणी जाना है तो इधर से आगे जाके राइट लेना है, सीधे जाएंगे तो कृष्णनगर एंड लेफ्ट लेंगे तो बर्धमान। तो हम लोग को इधर से थोड़े दूर जाके राइट लेना है कल्याणी के लिए। अगर आप कृष्णनगर भी जाना चाहते हो तो इसी रूट से जा सकते हो, नहीं तो आप जो कोलकाता वाला जो रूट है ना कल्याणी एक्सप्रेस वे उस साइड से भी जा सकते हो।
तो ये रोड काफ़ी कंफ्यूजन सा है, मुझे लगता है हम लोग को राइट लेना है। तो ये राइट हम लोग ले लिए, तो इधर से कोलैनी राइट साइड पे है और बिल्कुल सीधा है। तो ये रोड कोलैनी, ये कोलैनी तो कोलैनी, तो ये रोड पूरा कोलैनी जाता है। हम लोग, मुझे एक्चुअली बहुत दिन से ये कॉलोनी में जो रूट है मैंने गया नहीं, तो कंफ्यूजन से हो गया था। तो अभी तो एकदम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अभी एक ब्रिज आएगा, तो ये चलो ब्रिज मुझे लगता है अभी आएगा। हाँ आ गया, ये ब्रिज काफी लंबा है और इधर पे अभी भी मुझे लगता है टोल सिस्टम चालू है। हाँ चालू है, वो देखो ले रहा है। अगर फॉग नहीं होता तो उस साइड पे बैंडेल चार्ज है, आपको दिखाई देता। साइड से हम लोग को लेफ्ट लेंगे तो प्रॉपर कोल्यानी सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अभी लेफ्ट लेने वाले हैं। यार कोल्यानी सिटी में तो आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा जगह है। कितना अच्छा अच्छा घर है, वेल डेवलप एंड एकदम परफेक्ट, जो होता है ना उसी टाइप का सब घर है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कोल्यानी आने के बाद। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड आएगा तो मैं उनसे थोड़ा बातें करूँगा, फिर कुछ देर बाद हम लोग, मतलब मैं घर चला जाऊंगा। और ये देखो इधर पे कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो।